जब कोरोना आ गया, रोजगारी बंद हो गई, 15 करोड़ गरीबों को दो साल तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। साथ में योगी जी ने तेल, दलहन और नमक देने का काम किया है और गरीबों का चूल्हा चालू रखा है। मैं आपको बताने आया हूं भैया, ये तो माफियाओं की भूमि है। हमारा संगम लाल यहाँ बैठा है, हमेशा कहता है कि यह माफियाओं का त्रास है। योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त किया है। मैं कहकर जाता हूँ, इक्का दुक्का बच गए ना, उसको भी साफ करने का काम अगले 5 साल में हम कर देंगे। कानून और व्यवस्था को योगी जी ने संभालने का काम किया है। डकैती में 72% कटौती करी है, लूट में 62% की कटौती करी है, हत्या में 31% की कटौती करी है, अपहरण में 29% का कमा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है और बलात्कार में 50% की कमी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों युवाओं, 2000 करोड़ रुपए की जमीन ये भूमाफिया कब्जाए हुए थे, उसको खाली कराने का काम और गरीबों को देने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आज आपको बताने आया हूं, मित्रों यहां पर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण इसकी राजनीति चलती थी। हमने जातिवाद भी समाप्त किया है, परिवारवाद भी समाप्त किया है, तुष्टिकरण भी समाप्त किया है। मित्रों आज मुझे बताओ, वो आजम खान बड़े तुरम खान बनकर घूमते कहां है? जोर से बोलो भाई, कहां है? ये अतीक अहमद कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? अगर अखिलेश गलती से आ गए तो ये जेल में रहेंगे क्या? क्या चाहते हो? जेल में चाहते हो या बेल में चाहते हो? जोर से बोलो, क्या चाहते हो? अरे जेल में रखना है तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। मित्रों आप सभी लोग बताओ मुझे, अरे यार सुनो तनिक, इन्होंने पुलवामा और उरी में हमला किया, उनको लगा अब क्या होने वाला है। पाकिस्तान वालों को मालूम नहीं था कि सरकार बदल गई है, अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। पूरी दुनिया में मोदी जी ने एक संदेश भेजा है कि भारत की सेना और भारत की सीमा, उसके सामने आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता, वरना दंडित किया जाता है। दंडित माताओं भाइयों बहनों, हमारे सांसद पीछे पड़े रहते हैं विकास के कामों के, हमारे धीरज ओझा भी अब पड़ेंगे। इस क्षेत्र के लिए ढेर सारे काम हमने किए हैं,
गंगा एक्सप्रेसवे की परियोजना से प्रतापगढ़ पूरा जनपद विकास के साथ जुड़ने वाला है। सिवसत में करोड़ों की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत हो गई है। सिवसत में केंद्रीय विद्यालय भी हमने बना दिया है। खरवई में राजकीय डिग्री कॉलेज और बासी में राजकीय महिला कॉलेज इसकी स्थापना करने का प्रस्ताव कर दिया है। हम सब के लिए पूजनीय माँ वाराही के धाम का सौंदर्यीकरण करोड़ों रुपयों से शुरू है। संसारपुर में औद्योगिक क्षेत्र का विकास चालू कर दिया है। प्रतापगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाने की शुरुआत करी है। प्रतापगढ़ में सोनेलाल पटेल जी डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाने की भी शुरुआत की है। गेरा के कतरोली में खेलो इंडिया योजना के तहत स्टेडियम बन रहा है। शिवगढ़ के नजियापुरी में एक मिनी स्टेडियम भी बना दिया गया है। चार ऑक्सीजन प्लांट यही जनपद में लग चुके हैं। 813 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहां पर एक्टिव है और पृथ्वीगंज बाजार व सुसा को नगर पंचायत का स्टेटस भी देने का काम हो गया। मुझे बताओ भाई, ये अखिलेश आए तो पूछोगे कि 10 साल राज किया क्या किया भाई, पूछोगे क्या? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? माताओं भाइयों बहनों, ये सपा बसपा विकास नहीं कर सकती। विकास केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। गरीबों का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कानून और व्यवस्था योगी जी ही सुधार सकते हैं। अरे बाहुबली सारे साफ हो गए, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई बाहुबली बाकी नहीं है। जहां जाओ वहां कोई बाहुबली नहीं है, सिर्फ बजरंगबली दिखाई पड़ते हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आप सभी लोग कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे यार जोर से बोलो, बताओ दबाओगे? ओझा जी को विधायक बनाओगे? 300 पार कराओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय।